कॉस्मेटिक ट्यूब बनाने के लिए दो रेफरेंस इमेज मैंने इंटरनेट से ली हैं और वो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा। तो सबसे पहले ए दबा के सबको सिलेक्ट किया और डिलीट किया ताकि सब कुछ डिलीट हो जाए। इमेजेस डालने का मेन मकसद ये है कि पहले एक चीज़ होनी चाहिए, वो ये है कि आपने अपना एक्सेस जो है ना वो सेट करना है। कैसे सेट करेंगे? इसको आपने लेके जाना है वर्टिकल मोड पे, यानी कि या तो एक्स पे क्लिक कर दें या वाई पे क्लिक कर दें, तो वो आपका स्ट्रेट पर्सपेक्टिव आ जाएगा। अब हम इस पे इमेज लेके आ सकते हैं ताकि कोई पर्सपेक्टिव इसमें बाय डिफॉल्ट ना हो। पहले ये लें और फिर ये मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग इसको यूज कर सकें, ठीक है? और इसको मूव करेंगे हम, अभी रैंडमली यहाँ पे मूव कर दिया। अब मैं दूसरी इमेज लेके आऊंगा और इसको भी एग्जैक्टली इसके ऊपर होना चाहिए। तो एग्जैक्टली कैसे ऊपर आएगा? आपको मैंने एक स्नैप टूल के बारे में बताया था, इस मैग्नेट के निशान पे क्लिक करें और अब इसको अगर मैं जी प्रेस करके मूव करूंगा तो ये बिल्कुल साथ आ जाना चाहिए इसके, ठीक है? तो एक इमेज छोटी एक इमेज बड़ी है, खैर ये मसला आ गया। लेकिन अगर मैं इसको हाइड करूँ तो ये बिल्कुल सेम एक्सेस पे लाई कर रहे हैं, विच इज गुड। तो ये राइट पे जो पैडिंग थोड़ी सी आ रही है उसका मसला नहीं है कोई। स्नैपिंग टूल को खत्म कर दें, दोनों को स्केल करते हैं हम। स्केल किया थोड़ा सा, ठीक है, और थोड़ा और स्केल कर लेते हैं। अब हमारे पास ये दोनों एक ही एक्सेस पे लाइक आ रहे हैं, लेकिन ये 90 डिग्री का होना चाहिए ताकि हम एक इमेज को यूज करके फ्रंट व्यू निकाल सके और एक इमेज को व्यू करके साइड व्यू निकाल सके। तो वो हम कैसे करेंगे? किसी भी एक इमेज पे आप जाएं और ये जो इमेज है जो मैंने हाइड किया वो साइड व्यू है, तो मैं साइड व्यू को जो है ना रोटेट करूंगा जेड एक्सिस पे, तो ये ऐसा बन जाएगा। तो अगर मैं अब इस मतलब अगर मैं एक्स पे क्लिक किया है मैंने तो मेरे पास साइड व्यू आ गया, अगर मैं वाई पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास फ्रंट व्यू आ गया। दोनों इमेजेस यहीं पे पड़ी हुई हैं, ठीक है? तो कैप से शुरू करेंगे फिर ट्यूब ऊपर ट्यूब की तरफ जाएंगे। कैप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है हमेशा। सिलेंडर क्रिएट करते हैं, शिफ्ट ए दबाया, मैश एंड सिलेंडर जी जेड नीचे ले आए, जी स्केल जेड थोड़ा स्केल कर लेते हैं इसको, दोबारा स्केल किया इसको जेड एक्सेस पे, तो ठीक है। और फ्रंट व्यू पे आना है तो हमेशा मैं क्या करूंगा, वाई पे क्लिक करूंगा, सॉरी वाई पे क्लिक करूंगा इधर से, और ऑल्ट सी अगर मैं प्रेस करूंगा तो एक्सरे मोड पे चला जाएगा, तो मुझे नजर आ जाएगा ये फ्रंट व्यू है। स्केल करते हैं इसको, जो हमारे पास इमेज की जरूरत नहीं है सिलेंडर पे स्केल करते हैं, स्केल जेड किया, ठीक हो गया। अब जो नीचे है सिर्फ नीचे वाली लाइन मैंने पकड़नी है, तो मैं एडिट मोड पे जाऊंगा टैब में। और अच्छा हाँ, मैं एक काम तो कर लूँ कि मैं साइड व्यू वाली इमेज को हाइड कर देता हूँ। अगर मुझे फ्रंट व्यू चाहिए ना तो मैं फ्रंट व्यू को इमेज को विजिबल किया हुआ है। नीचे वाली मैंने बेवल करनी है, तो मैं क्या करूँगा, लाइन मोड पे जाके नीचे वाली लाइन सिलेक्ट कर ली, कंट्रोल सॉरी वाई एक्सिस पे कंट्रोल बी प्रेस किया, एक लूप कट ऐड किया, दो लूप कट्स ऐड किए, और आई थिंक ठीक है। तो ये हमारा सिलेंडर का नीचे वाला लूप कट आ गया, मतलब के बेवल आ गया, सॉरी। तो तीन लूप कट्स ऐड किए हैं तो ये बेवल बन गया। ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं लेकिन जितना कम हो उतना बेहतर है ताकि रेंडरिंग और व्यू पोर्ट पे जो रेंडरिंग है वो आसान रहे। अब ये जो है
सॉरी ये वाला जो पार्ट है इस पे हम लूप पर ऐड करेंगे, तकरीबन कोई तीन कर लेते हैं काफी है। और फोर किए जा सकते हैं, कंट्रोल आर, एक दो तीन चार, इतने काफी हैं, ठीक है। और ऑल्ट सी प्रेस करते हैं, ऑल्ट सी एक्सरे। और अब मैंने इसको करना है, थ्री का प्रेस किया फेस सिलेक्शन के लिए, और यहाँ पे मैं आ गया, कंट्रोल शिफ्ट दबा के, कंट्रोल शिफ्ट, और यहाँ पे मैं आया फेस सिलेक्ट करने के लिए। सारे शॉर्ट शॉर्ट पाथ पे सिलेक्शन हो जाती है जब कंट्रोल शिफ्ट दबा के आप करते हैं, ठीक है। और नीचे वाले चार रह गए उनको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आई प्रेस करेंगे थोड़ा सा इनसाइड करने के लिए, तो ये ऐसा हो गया, ऑल्ट सेट, ठीक है, अभी तक सही जा रहा है। अब यहाँ से इसको सिलेक्ट किया हमने, लेकिन एक सेकेंड, इसको अगर हमने ना पूरे को कर्व करना है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है बैकग्राउंड पे, यानी मैं सिलेंडर को हाइड करता हूँ, तो ये कर्व है, हमने ये बनाना है, ठीक है ना, एजेस इसके राउंडेड है। तो उसको कैसे अचीव करेंगे, उसको ऐसे अचीव करेंगे कि हमने सबसे पहले तो उसकी एक आउटलाइन बना दी है, यानी कि ये मेरा वो कर्व वाला पार्ट है। अब इस कर्व वाले पार्ट में मैंने इनके एंगल्स जो हैं राउंडेड करने हैं, उसे करने के काफी तरीके हैं, लेकिन सबसे जो आसान तरीका वो ये है कि हम नाइफ टूल पकड़ के यहाँ पे एक मैश ऐड करेंगे, तो के शॉर्टकट है मैश उसका। अच्छा हाँ, ये क्योंकि चार कॉर्नर्स हैं तो क्यों ना मैं इस पे मिरर इफेक्ट यूज कर लूँ, ताकि मैं एक साइड पे करूँ तो दूसरी साइड पे खुद बखुद आ जाए। मिरर मॉडिफायर पे जाएंगे, ऐड जनरेट मिरर, मिरर मॉडिफायर पे गए। अब मैंने ये देखना है मेरा एक्सेस कौन सा है, एक्स एक्सेस पे चाहिए, बाइसेक्ट भी होना चाहिए, एक्सेस भी होना चाहिए, और ये जो कट में डालने लगा हूँ ये भी होने चाहिए। तो क्या होगा, मैं चेक कर लें, पहले मैं एक्सट्रूड करता हूँ इसको, ठीक है, तो ये वर्क कर रहा है। तो के इज अ शॉर्टकट फॉर नाइफ टूल, और आपने इसको पकड़ के यहां से करना है, स्पेस बार दबा दिया तो ये दोनों जगह पे अप्लाई हो गया। सिमिलरली यहां से के पकड़ के ऐसे और ऐसे और स्पेस बार, तो यहां से भी हो गया हमारे पास। तो ये एक्स्ट्रा मैश जो है इसका फायदा ही है। एडिट मोड पे जाके वर्टिसेस पे जाएं, और अब जो ये है ये वाला, इसको अब हम मूव कर सकते हैं इस जो हमने भी लाइन क्रिएट की है ना इसके अगेंस्ट, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली कर्व हो जाएगा। ये हो गया, और यहाँ पे हमने ये वाली लाइन करनी है या कौन सी करनी है, एक सेकेंड, तो इस वाला जो यहाँ पे इसको किया हमने जी करके मूव करके, और पहले हम देख लें अपना पूरा कहीं भी हिला कुछ नहीं है, और अब इस वर्टिस को जी जी करके इस डायगनल पे मूव करना है, तो ये थोड़ा सा कर्व आ जाएगा। अब इस वर्टिस को पकड़ें और कंट्रोल एक्स किया, इस वर्टिस को पकड़ें कंट्रोल एक्स, इसको पकड़ें कंट्रोल एक्स, तो ये हमारे पास आ गया है हमारा पोटेंशियल कैप का होल्डर। फेसेस सेलेक्ट करें, थ्री दबाएं, और ऑल्ट एस, पहले एक्सट्रूड करें कि पहले हम इसको कर्व करें, एक्सट्रूड करेंगे तो एस, थोड़ा सा अंदर ही है इसको, ठीक है, और ऑल्ट सेट। इमेज को देखते हैं व्यू करने के लिए कि इमेज हमारी कैसी है, तो ये राउंडेड है विद बेवल एजेस, ठीक है, तो इसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं। राउंडेड तो हो गया, और इसको बेवल हम बाद में देंगे,
अब हम इसको सब डिवीजन अप्लाई करेंगे ताकि ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। ठीक है, लुक्स गुड। ऑटो स्मूथ करते हैं इसको, राइट क्लिक शेड स्मूथ और यहां से ऑटो स्मूथ कर देंगे इसको नॉर्मल्स पे जाके ताकि ये खराब ना हो। ठीक है, अब हम एडिट मोड पे जाएंगे, लेकिन हम एडिट मोड पे जाने से पहले जो ये है टर्न ऑफ कर देंगे ताकि एडिट मोड पे हमें ये नजर ना आए। अप्लाई हो चुका है लेकिन हमें ये नजर ना आए। तो हम अब ये करेंगे, हम ये करेंगे कि जो ये वाला पार्ट है ना, लाइन मोड पे जाके इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, ऑल्ट शिफ्ट दबा के कंट्रोल बी, हल्का सा बेवल दें इसको, बिल्कुल हल्का सा। ठीक है, और अब एडिट मोड पे हम देखते हैं। ठीक है, इन सब को फेसेस को सिलेक्ट करना है हमने और ऑल्ट एस दबा के दोबारा अंदर प्रेस करना है। और अब हम इसको टैब दबा के देखेंगे तो यहाँ पे ये कर्व बन गया है, स्मूथनेस इसमें आ जाएगी। हम अभी सिर्फ इसकी शेप देख रहे हैं, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो ये सब डिविजन्स बढ़ा सकते हैं इसको, ठीक है, तो और स्मूथ हो जाएगा। तो यहाँ से राउंडेड कॉर्नर्स भी आ गए, बेवल भी हो गया इसके एजेस और अंदर भी ये चला गया जिस तरह की हमारी इमेज में मौजूद है। ठीक है, इमेज पे कुछ कम हुआ है, मैंने ज्यादा कर दिया, तो आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एडिट पे जाके ये सारे फेसेस सिलेक्ट किए, और ऑल्ट एस दबा के या तो उसको बाहर कर दें या अंदर कर दें। ठीक है, तो वो जिस तरह से आपका आप करना चाह रहे हैं वो हो जाएगा। तो मैंने कम कर दिया, ज्यादा नहीं किया। और अब क्या रह गया, सिलेंडर को हाइड किया, अभी कट रह गया, कट लगा देते हैं तो हमारा कैप कंप्लीट हो जाएगा। सिलेंडर को विजिबल किया और कट कहाँ पे है, कट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस वाली लाइन पे आ रहा है। तो सब इस कैप के कट डालने से पहले, सबसे पहले हम मिरर मॉडिफायर जो है ना, ये मिरर मॉडिफायर है, ये सब डिवीजन है, मिरर मॉडिफायर को हम अप्लाई कर देते हैं। तो ये अप्लाई यहाँ पे नहीं होता, अप्लाई ऑब्जेक्ट मोड, अब हम इसको अप्लाई कर देंगे तो मिरर मॉडिफायर अप्लाई हो गया। दोबारा एडिट मोड पे जाते हैं, एडिट मोड पे जाने के बाद हमने जो अपनी लाइन सेलेक्ट की है सिलेंडर की, वो यहाँ पे आ रही है। अब यहाँ पे कंट्रोल बी करके हम बेवल करेंगे, कर लिया, बिल्कुल थोड़ा सा करना है एक लूप कट के साथ। ठीक है, ये मेरे पास बेवल आ गया। बेवल क्यों ऐड किया है, ताकि कुछ लाइंस आ जाए मजीद, और जब हम इसको एक्सट्रूड करके स्केल अंदर की तरफ करें तो कट बन जाए। ठीक है, हर तरफ से ये कट बन गया, ये सबसे आसान तरीका है। इसके अलावा जी से स्केल करके आप उसको स्केल कर सकते हैं, ठीक है, उसमें एक्सट्रूशन बेवल की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये आई थिंक अगेन एक चीज को करने के 10 तरीके हैं तो डजंट मैटर। एडिट मोड पे जाते हैं, ऑब्जेक्ट मोड पे, तो ये ऐसे खराब हो गया, इसको हम करते हैं रेंडर से खत्म। तो ये ऐसा फिक्स कर सकते हैं इसको, हम कैसे फिक्स करेंगे, टैब जो सॉरी ये वाला लूप कट है ना, या एक लूप कट ऐड करते हैं, कंट्रोल यहां पे मैं देता हूं उसको व्यू, कंट्रोल आर और इसको नीचे ले जाते हैं जितना भी लेके जा सकते हैं। सिमिलरली इधर इसको ना कर्व को टाइट करने के लिए ना हमेशा लूप कट ऐड करके एक्सट्रीमली एज पे ले जाते हैं, जिस तरह यहाँ पे ना कंट्रोल आर किया, एक लूप कट बनाया वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल, और इसको बिल्कुल इसके ना पास ले जाएंगे तो वो बड़ा शार्प एज आ जाता है। तो कैप जब बन गया है तो इसका बस ऊपर वाला भी हम थोड़ा सा जो कर्व है वो टाइट कर देते हैं। एडिट मोड पे गए और
जो ये वाला है लाइन क्लिक करके इस पर क्लिक किया, कंट्रोल आर, ठीक है तो नाउ इट लुक्स गुड। कैप भी सही हो गया और बाद में हम मॉडिफाई कर सकते हैं अगर हमने एक दफ़ा जब कंप्लीट हो जाए फिर हम इसको चाहे जितनी मर्जी दफ़ा मॉडिफाई कर लें, कोई तो मसला नहीं है। अब ट्यूब की बारी है तो ट्यूब के लिए हम एक और शिफ्ट ए सिलेंडर बनाते हैं और जी जेड नीचे ले आए। ठीक है, इमेज को थोड़ा हाइड करते हैं ताकि हमें इनको मैच करने में मसला ना हो। स्केल किया इसको ऐसे और यहाँ पे आ गया। इमेज को ओपन करते हैं। ठीक है, अब दो तरीके हैं, तो इसको मैं स्केल कर दूं या फिर इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। तो आई थिंक टैब थ्री एक्सट्रूड इज बेटर। पहले यहाँ पे कर लेते हैं, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर एंड पे। ठीक है, तो ये एक्सट्रूड हो गया हमारा, ऊपर वाला पार्ट हम एंड में बनाएंगे। अब मैं दूसरी इमेज को भी इनेबल करने लगा हूँ। पहले तो हम इसको करेंगे एक दो लूपर सॉर्ट डाल देते हैं, यहाँ पे डाल दिया, वाई पे क्लिक किया। अब ऊपर वाला जो पार्ट है उसको तो हम सीधा सीधा स्केल करेंगे, फेस सेलेक्ट किया, स्केल किया और ये स्केल हो गया। ठीक है, इस पर तो कोई मसला नहीं है। ये जो पार्ट है इसको भी स्केल कर लेंगे। ठीक है, इस पार्ट को भी हम स्केल कर लेंगे। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इमेज को मैच कर रहा हूँ, इमेज में बस रेफरेंस है। अगर इमेज रेफरेंस ना होता तो मुझे खुद से रैंडम डिज़ाइन बनाना पड़ना था। ठीक है, इसको किया स्केल ऐसे और इसको किया स्केल ऐसे। तो ये तो हमारे पास हो गया, एक फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया, कंप्लीट यानी कि फॉर नाउ। अब हम आते हैं इसके साइड व्यू पे। साइड व्यू पे हमने क्या करना है, वाई एक्सिस के अलोंग हमने इसको करना है। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि ऊपर वाला फेस सेलेक्ट किया, बाकी नीचे से स्टार्ट करते हैं और ऑल्ट जेड प्रेस करते हैं ताकि ये एक्सरे मोड पे आ जाए। इसके बाद हमने किया इस लाइन को सिलेक्ट, यानी कि ऑल्ट प्रेस करके इस पे क्लिक किया, स्केल वाई एक्सिस पे करना है अब हमने। ठीक हो गया, इसको सिलेक्ट करें, स्केल वाई एक्सिस पे करना है और इतना काफी है, स्केल वाई एक्सिस पे ऐसे, स्केल वाई एक्सिस पे स्केल वाई ठीक है, स्केल वाई और ऊपर वाला पार्ट रह गया, इसको क्लिक किया, स्केल वाई पे करना है ठीक है। ये फिलहाल के लिए इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। इमेजेस को हाइड करते हैं, टैब प्रेस करते हैं, तो ये हमारी बॉटल की कुछ ट्यूब की कुछ लुक नजर आई है। ठीक है, विच इज नॉट बैड फॉर फॉर समथिंग टू स्टार्ट विद। और अब हम इसका ऊपर वाला पार्ट निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे, सिंपल है, इस फेस को सिलेक्ट किया टैब मोड पे जाके, और सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, अगेन अपना रेफरेंस इमेज खोला, एक्सट्रूड जेड एक्सिस पे करना है, और जेड एक्सिस पे करने के बाद ऊपर जो फेस है इसके साथ आप स्केल कर सकते हैं मजीद, स्केल वाई, स्केल वाई करके और बारीक बना दें। ठीक है,
अब हमें इमेज की जरूरत नहीं है अभी के लिए, ठीक है, बाद में वापस आएंगे इमेज पे। तो ये हमारे ट्यूब का ऊपर वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। स्मूथ करते हैं इसको, क्योंकि अगर हम टैब दबाएं तो ये ऑटो स्मूथ स्मूथ नहीं है। शेड स्मूथ किया, उसको नॉर्मल में क्लिक किया और इस पर सब डिविजन मॉडिफायर लगा दिया। ठीक है, अब सब डिविजन मॉडिफायर लगाने के बाद आपको नजर आ गया कि इस पे काफी चेंजेस आई हैं। तो फिर हमने वही करना है, हमने इसके जो कर्व्स हैं उनको थोड़ा सा शार्प एजेस देने। तो वो कैसे दे सकते हैं, बहुत सिंपल है, कंट्रोल आर, ठीक है, यहां तक ले गए और कंट्रोल आर एक और, तो ये हमारे पास एंड पे अच्छा सा शार्प सा एज आ गया। और कहां पे मसला आ रहा है, ऊपर मसला आ रहा है, कंट्रोल आर यहाँ पे करके इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है, तो वो इशू तो रिजॉल्व हो गया। तो ये हमारी फिलहाल जो ट्यूब है वो ऐसी लग रही है। इस पे लेवल्स बढ़ा देते हैं हम सब डिवीजन के, ताकि ये थोड़ा सा और स्मूथ हो जाए। तो ये स्मूथनेस की तरफ चला गया, ठीक है, इसको हर तरफ से आपने देखना है ताकि कहीं से कोई इश्यू नजर ना आए। शेड ऑटो स्मूथ दोबारा से देख लें कि नॉर्मल पे क्लिक हुआ है, दैट्स गुड, ठीक है। और नीचे कैप को भी देख लें एक दफा, राइट क्लिक, शेड ऑटो स्मूथ, तो वो भी सही है।